एसडीएम ज्योति मौर का प्रकरण पूरा देश जान चुका है, लेकिन अब ज्योति मौर्या के पति के साथ जिला कमांडेंट मनीष दुबे का जिक्र बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि ये वही तीसरे इंसान हैं जिनकी वजह से ये पूरा मामला तूल पकड़ पाया। पीसी ज्योति मौर से रिश्तों पर होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। मनीष दुबे एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेने झांसी पहुंचे थे। पीसी ज्योति मौर प्रकरण में विवादों में चल रहे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीटिंग के बाद जब मीडिया ने इस प्रकरण और उसके खिलाफ चल रही जांच के बारे में पूछा तो वो कैमरे से बचते नजर आए। उनके खिलाफ चल रहे जांच से जुड़े सवालों पर पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई जबरदस्ती न करे। जबरदस्ती नहीं, प्लीज जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं प्लीज। ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने बहुत सारे आरोप लगाए, क्या कहना आपको? वहीं हिडन कैमरे पर ज्योति मौर्य के तथा कथित प्रेमी मनीष दुबे बेहद परेशान दिख रहे हैं। ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा जो ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने की बात कर रहा है वो ये तक नहीं बता सकता कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। हम मान लेते हैं इससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब वरी पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान।